हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासु और आप देख रहे हो NSATech यूट्यूब चैनल। क्या आप कोई ऐसा ट्राइपॉड ढूंढ रहे हो जो कि कम प्राइस में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल फीचर्स प्रोवाइड करे? तो आज की वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ DigiTech DTR500BH ट्राइपॉड का, और रियली ये अपनी प्राइस में ना बहुत ही कमाल कमाल के फीचर्स के साथ आता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, बट उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। सो एज ऑलवेज हम बॉक्स पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बॉक्स कॉन्टेंट्स की ओर बढ़ते हैं। वैसे भी ये बॉक्स ना टाइम वेस्ट करने लायक है नहीं। ये देखो, ये लैपटॉप की तरह ओपन होता है, मतलब ये देखो ट्राइपॉड गिरा दिया। तो एज़ ऑलवेज बॉक्स पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं बॉक्स कंटेंट्स की ओर। और वैसे भी ये बॉक्स मतलब टाइम वेस्ट करने वाला लग रहा है कहीं से, ये देखना। एक महीना हो गया मेरे को ये ट्राईपॉड परचेज़ किया, आज रिव्यू कर रहा हूँ तो बॉक्स की कंडीशन तो ऐसी होनी ही थी। बाय द वे, आपको अगर ये ट्राईपॉड पसंद आता है तो परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बैग की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है, इजीली आप कहीं भी बाहर लेके घूम सकते हो। वरना ट्राईपॉड के साथ ना बड़े बेकार बेकार बैग आते हैं, वो बस सो कॉल्ड बैग होते हैं, उन्हें लेके नहीं घूम सकते आप बाहर। बट इसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है ये, और साथ ही साथ बिल्ड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इतनी एक्सपेक्टेशन मत करो, सिनेमैटिक ट्राई कर रहे हैं चलते वक्त, आ नहीं रहा हमसे, मॉडल नहीं है टिकटॉक वाले। ये देखो ऐसा बैग है, सुंदर सा है, चलो निकलो। यहाँ पे स्ट्रिप की साइज़ एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ की। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें मिलती है एलन की, इसका यूज़ करके हम लेग्स को खोल सकते हैं ट्राईपॉड के। कोई ऐसा क्यों ही करेगा, लेकिन चलो दी है। यहाँ पर एक एक्सटेंडर और एक स्क्रू भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राईपॉड। हम जो नॉर्मल ट्राईपॉड यूज़ करते हैं वो तो हमें अच्छे से पता है कि हमें कैसे सेटअप करना है, बहुत सिंपल होता है ये वाला ट्राईपॉड। और जो भी आप ट्रैवल के लिए देखोगे ना, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपका ट्राईपॉड होता है। अब आपको इसे ओपन करना है ना, तो इसके लेग को पूरा ऊपर लेके जाओ, तीनों ही लेग्स को, और फिर उसके बाद आपको एक्चुअल ये ट्राईपॉड ऐसे रखना है। अब समझ आया? तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ट्राईपॉड को यूज़ करते हैं। बॉल हेड को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें ये पाउच या कवर टाइप का मिलता है, क्योंकि बॉल हेड के अंदर लिक्विड होता है। अब उसमें ना डस्ट चली गई तो फिर इसकी स्मूथनेस काफ़ी कम हो सकती है। लेग्स को एक्सटेंड करने के लिए भी ना यहाँ पर कुछ अलग ही है। मतलब नॉर्मल हम ट्राईपॉड यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें फ्लैप टाइप की या क्लिप्स टाइप की मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ना ये कुछ सर्कुलर मोशन वाला मैकेनिज्म दिया गया है। आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर आप लेग्स को ओपन कर सकते हो, और इसे लॉक करने के लिए दोबारा से आपको क्लॉकवाइज इसे घुमा देना है। ये ट्राईपॉड हम इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडोर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर तो फर्श होती है, प्लेन टाइल टाइप के होते हैं, तो उस जगह पे हम रबर ग्रिप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम आउटडोर शूट कर रहे हैं जहाँ पर या तो मिट्टी में हम शूट कर रहे हैं या फिर घास है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अब उस जगह ग्रिप के लिए हमें चाहिए होते हैं नोकीले कांटे, जैसे वुल्वरिन करता था ना, मुट्ठी बंद और पंजे बाहर। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहाँ पर आपको ना कुछ ग्रिप के लिए ऐसी पैनी पैने से कांटे मिलते हैं, तो वो आपकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ट्राईपॉड की। ट्राईपॉड की जो लैग है वो पूरी 180 डिग्री रोटेट हो जाती है। अब ये चीज़ ना हमको मतलब मौका दे देती है, अगर आप क्रिएटिव बंदे हो, और मुझे पता है आप हो, तो मतलब ये फीचर यूज़ करके हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शॉट ले सकते हैं। ट्राईपॉड की जो लैग है ना वो तीन डिफरेंट पोजिशन में हम लॉक कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन हमें मिलता है। फर्स्ट एंगल तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, जहाँ पर हम जैसे ही लेग्स को एक्सटेंड करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको सेकंड पोजीशन पे स्विच करना है, तो जो ये क्लिप टाइप की है ना, इसको आपको प्रेस करना है, देन आपको सेकंड पे इसे लॉक कर देना है, तो अब ये इस वाली पोजीशन पे लॉक हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको अगर थर्ड वाले लेवल पे करना है तो आप यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं, और ये ना पूरा चपटा सरफेस पे खड़ा हो जाता है ट्राईपॉड, जिसके कारण आप काफ़ी लो एंगल शॉट्स भी ले सकते हैं, और ये काफ़ी यूनिक सा लगता है देखने में। पूरा ट्राईपॉड मेटल का है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का बना देता है। इसे आप पकड़ोगे ना तब भी फील होगा, और वैसे भी ये स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा। बस यहाँ पर जो लेग्स है वहाँ पर हमें प्लास्टिक का यूज़ दिखता है, जो कि जॉइंट होती है लेग की ट्राईपॉड के। उसके अलावा ग्रिप तो ऑब्वियसली रबर की होने वाली है। यहाँ पर जो एक्सटेंडर है, तो ये एक्सटेंडर को जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं, ये वाला मैकेनिज्म भी प्लास्टिक का दिया गया है, बट ये स्ट्रांग प्लास्टिक है, ऐसा कोई लोकल क्वालिटी का नहीं मिलेगा। वैसे ना एक सजेशन दूंगा मैं आपको, अगर आप ट्राईपॉड परचेज करने जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अच्छी क्वालिटी का ट्राईपॉड परचेज करो। मैं यही नहीं कह रहा कि यही वाला परचेज करो, इसके अलावा भी आपको कोई भी मार्केट में मिलता है जो अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है, वो परचेज करो, क्योंकि ट्राईपॉड वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये बहुत लंबे चलते हैं। अब ये वाला ट्राईपॉड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ करते 3 साल हो चुके हैं मुझे, ये डेटा मेरा सा ट्राईपॉड भी इतना चल गया, तो सोचो ये वाला तो मुझे नहीं लगता अब मेरे को एक और ट्राईपॉड परचेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर बड़े वाले कैमराज भी आ जाते हैं, तो इनफ है ये मेरे लिए। ये ट्राईपॉड स्मार्टफोन के साथ साथ DSLR और बड़े वाले जो कैमराज होते हैं ना, जो शोल्डर पर रख के
यूज़ करते हैं उसके साथ भी कंफर्टेबल है। यहाँ पर 7 किलो तक मैक्सिमम वेट है, तो मजबूत ट्राईपॉड है, वेट की इसकी कैपेसिटी से भी अंदाज़ा लग सकता है। स्पिरिट लेवल इंडिकेटर है जिससे आप देख सकते हो आपका ट्राईपॉड सीधा खड़ा है या फिर कहीं से झुकाव तो नहीं है उसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वरना एडिटिंग के वक्त पता चलता है कि टेढ़ी वीडियो बनी है थोड़ी। प्लेट रिमूव करने के लिए आपको ये वाला स्क्रू लूज़ करना है और फिर प्लेट आपके हाथ में आ जाएगी, और ये पूरी मेटल की है, काफ़ी सॉलिड प्लेट है। बहुत सारे ट्राईपॉड्स में ना स्क्रू के साथ हमें ये ब्रैकेट नहीं मिलता जिसका यूज़ करके हम अपने स्मार्टफोन का माउंट या फिर कैमरा को इससे कनेक्ट कर सकें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो आपको चाकू या स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं घूमना पड़ेगा। सिंपली आपका फोन माउंट या कैमरा इस प्लेट पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा से इस स्क्रू को टाइट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ट्राईपॉड में रोटेशन होता है ना, जो पैन शॉट लेते हैं वहां पर हमें लूज या टाइट करने के लिए स्क्रू दिया गया है, तो इससे हम टाइट या लूज कर सकते हैं। और सच में ये वाला ट्राईपॉड ना पैन शॉट्स के लिए बहुत कमाल का, इतना स्मूथ है ना, आप यूज करोगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे शॉट्स लेना। एक यहाँ पर बड़ा स्क्रू भी मिलता है बॉल हेड के लिए, जिससे आप अपने फ़ोन या कैमरा को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे झुका सकते हो या किसी भी एंगल में चाहो तो वहाँ पे ये रुक जाएगा बिल्कुल, और ये सच में एकदम फ्रीज कर देता है जैसे ही आपने इसे रोटेट किया और दोबारा से टाइट कर दिया, तो वहाँ पे बिल्कुल लॉक हो जाएगा। अब लास्ट चीज़, ट्राईपॉड कई बार हमारा स्टेबल नहीं होता, हमें डर लगता है कोई गिरा देगा, तो यहाँ पर हमें सैंड बैग के लिए भी एक क्लिप मिलती है, तो इसके ऊपर हम अपना सैंड बैग लटका सकते हैं या फिर कैमरा बैग टांग दो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ट्राईपॉड पे वेट आ जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। ट्राईपॉड की हाइट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आपको नेक पे भी एक मैकेनिज्म मिलता है, तो इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और फिर आप इसे ऊपर करोगे और फिर यहाँ लॉक कर दो, तो इतनी और ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ हो जाती है ट्राईपॉड की। अब ये मैकेनिज्म वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर ट्राईपॉड में आपको मिलता है, तो हर कोई अवेयर है इस फीचर से। अब ट्राईपॉड की हाइट की बात करें तो यहाँ पर 5 फीट 5 इंच मेरी हाइट है और मेरे से ये जस्ट 1 इंच छोटा है, मतलब 5 फुट 4 इंच की यहाँ पर हमें हाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी ऊपर है यार। और इसकी लेग्स जब पूरी एक्सटेंड कर देते हैं ना, ये ट्राईपॉड लगता ही नहीं है फिर तो वैसे कहीं से। यार कई बार क्या होता है, हमें लो एंगल शॉट लेने होते हैं जहाँ पर हमारा कैमरा की हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है, तो उसके लिए भी इस ट्राईपॉड में एक फीचर है। आपको ये जो सैंड बैग नीचे मिलता है ना, सैंड बैग के पेन है, इसको लूज़ करना है। लूज करने के बाद आपके हाथ में ये कुछ मैकेनिज्म टाइप का आ जाएगा, इसे संभाल के रख लेना, और उसके बाद आपकी जो ये नेक है ना, यहाँ से लूज करो और ये आपकी पूरी बाहर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस नेक को नीचे से यहाँ से डालना है, और यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जो आपकी ये सैंड बैग की पिन थी, इसको दोबारा से आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। अब देख सकते हो फ़ोन की हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब इसी तरह आप लेग्स की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ नेक की भी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉट्स ले सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्सेसरीज मिलती है ना, उनका यूज़ बता देता हूँ क्योंकि उससे हर कोई अवेयर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जो सैंड बैग की पिन मिलती है वो रिमूव कर लेनी है नीचे से, और फिर ये एक्सटेंडर जो है ना, इसको आपको यहाँ पर नीचे कनेक्ट करना पड़ेगा सैंड बैग का, जहाँ से आपने ये स्क्रू टाइप का डाला। तो उसके लिए क्या, आपको सबसे पहले जो एक्सेसरी के साथ ये वाला स्क्रू मिला था, इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। अब आपको एक्सटेंडर को इस स्क्रू के अंदर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक्सटेंडर कनेक्ट हो चुका है। अब आप चाहो तो सैंड बैग वाला जो स्क्रू था ना, उसको इसके नीचे लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन ये सच में वैसे पता है क्या लगता है, स्नाइपर के आगे सप्रेसर लगा दिया है। बाय द वे, ये हेल्प करेगा ट्राईपॉड के नेक की हाइट को और ज़्यादा इंक्रीज करने में। अब ना आप ट्राईपॉड को एज अ मोनोपॉड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक लेग मिलती है जिसपे आपको ग्रिप मिलती है, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब डिटैचेबल मोनोपॉड लेग, आपको इसे निकालना है। तो ये देख सकते हो लेग बाहर आ चुकी है ट्राईपॉड की। अब यहाँ पर सेम ना, इसे पहले संभाल के रख लेना, ये काम की चीज़ है। अब ये जो आपको ऊपर की नेक मिलती है ना, इसको भी निकाल लो। अब आपके हाथ में ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं ना। अब यहाँ पर आपको जो स्क्रू दिया गया था, ये स्क्रू सबसे पहले आप अपनी जो लेग है यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, इसके अंदर इसे लगाओ, मैकेनिक बनाएंगे ये। फिर ऊपर वाली जो आपको नेक मिलती है, इसमें इसे टाइट कर दो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा एक डंडा बन चुका है, इसको एज अ मोनोपॉड हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके लेग्स की, जैसे मैं हाइट इंक्रीज करके दिखाऊँ, इसकी हाइट यार सच में ज़्यादा है, मतलब ये देखना, ये क्या मजाक है, इतने बड़े शॉट अगर आपको लेने हैं तो वहाँ पर ये काम आ जाएगा। बट यार सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, एज अ मोनोपॉड यूज़ करोगे शॉट्स कमाल के आएंगे। तो यही था रिव्यू। अगर आपको ये ट्राईपॉड परचेज करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और ऐसी ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।